अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी गेम को लाइक पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और भी जितनी गेम्स वगैरह हैं उनको लाइव स्ट्रीम किस तरह कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को अपने मोबाइल के ज़रिए लाइव स्ट्रीम किस तरह कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो ये जो ऐप मैं बताने जा रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी ऐप्स ट्राई की हैं, उसके बाद मुझे ये वन ऑफ़ द बेस्ट ऐप लगी है, तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने आ जाना है प्ले स्टोर में, ठीक है? तो प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है ऑमलेट। ठीक है, ऑमलेट एक्रेड। तो ये सर्च करने के बाद आपने इस वाली ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है, यहाँ पे अपडेट की ऑप्शन आ गई है, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में अपडेट कर लूँगा इसको। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर पड़ी हुई है, ये देखें। तो जस्ट इस पर आपने क्लिक करना है। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये साइन अप की डिमांड करेगा, तो आपने सिंपल साइन अप पे क्लिक करना है और ये आपका रैंडम सा कोई भी अकाउंट बना देगा, वहाँ से आपका नाम पूछेगा और साइन अप करा देगा। ठीक है, कोई नंबर वगैरह कोई कुछ नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है प्लस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो जैसे ही आप प्लस वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर वो पूछ रहा है रिकॉर्डिंग करनी है, गो टू लाइव स्ट्रीम करना है, गेम्स ऐड करनी है, ठीक है, एडिटर है बीटा वर्जन में और पोस्ट वगैरह हैं जो करनी। तो हम आएंगे अभी फ़िलहाल गो टू लाइव में। तो लाइव सेक्शन में आने के बाद ये देखें, मेरे मोबाइल में जितनी भी एप्स वगैरह थी उसने ये सारी शो करा दी हैं। तो अगर मैं पबजी को लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ तो मैं पबजी पर क्लिक करूँगा, टिकटॉक को करना चाहता हूँ तो टिकटॉक को करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉल ऑफ ड्यूटी को करना चाहता हूँ या GTA San Andreas को करना चाहता हूँ, तो जिस भी गेम को मैं करना चाहता हूँ या आप करना चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं पबजी पे क्लिक कर देता हूँ, तो पबजी तो अभी हो रही है जनाब अपडेट, तो फिलहाल हम कॉल ऑफ ड्यूटी पे क्लिक कर देते हैं, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि वो पीछे यानी कि गेम में अपडेट हो रही थी और इधर रिकॉर्डिंग भी साथ लगी हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा ना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आया है वो आ गया जी, आपने किस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक है, अगर फेसबुक पे देना चाहें कोई पेज वगैरह है तो उस पर दे सकते हैं, या कोई ग्रुप है, ठीक है, या फिर इसके एक्रेड इसके अपने ब्राउज़र पे दे सकते हैं, या आप किसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल ऐड करना है तो ये देखें मेरा पहले से ऐड हुआ हुआ है, तो अभी हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट की ऑप्शन आ गई है, तो आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है यूट्यूब पे। तो जैसे ही आप यूट्यूब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अभी एक और पेज आ जाएगा, तो जितने भी मेरे ये देखें जितने भी मेरे अकाउंट लगे हुए हैं ये मुझे सारे शो कर देगा। तो अब मैं जिस भी चैनल पे लाइव स्ट्रीम करना चाहूँ उस पे मैंने जस्ट क्लिक करना है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, टेक्निकल खबर पे करता हूँ, तो आपको पता होगा कि मैं पबजी की या कॉल ऑफ ड्यूटी की लाइव स्ट्रीम करता रहता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल नीचे अलाउ कर देना है, अगर आपने पासवर्ड अपनी डिवाइस में सेव किया होगा, नहीं किया होगा तो आपने दोबारा से पासवर्ड लगा देना है। ठीक है, तो ये देखें, तो यहाँ पे आपने जस्ट सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपकी लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी ऐप है, कोई झंझट नहीं है इस ऐप में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और लाइक लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है और नई नई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।